आईटी फील्ड एक ऐसा सेक्टर जिसमें आज के डेट में हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि आईटी फील्ड में जितना स्कोप है उतना बाकी फील्ड्स में नहीं है। इवन मैं बात करूं कई अकाउंट से रिलेटेड जो पर्सन्स हो गए या फिर आर्ट सेक्शन से रिलेटेड हो गए, सबके सब आज के टाइम में आईटी फील्ड में स्विच करना चाहते हैं। रीजन कि आईटी फील्ड में जितना ग्रोथ रेट है उतना हमें बाकी फील्ड में देखने को नहीं मिलता। अगर हम एक अकाउंट फील्ड की भी बात करें, आपने वहां ज्वाइन किया और आपको 50 से 60,000 की सैलरी तक पहुंचने में एक लंबा टाइम पीरियड लग जाता है, लेकिन उसी की जगह अगर हम बात करें आईटी फील्ड की, जहां पे आपकी शुरुआत 10 से 15,000 से होती है, लेकिन सिर्फ 4 से 5 साल के टाइम पीरियड में आप 60,000 से 1 लाख रुपए तक के पे स्केल पे पहुंच जाते हो। तो यही एक रीजन है कि आज के डेट में हर कोई एज अ कॉर्पोरेट सेक्टर आईटी फील्ड में स्विच करना चाहता है। और आईटी फील्ड में जो सबसे ज्यादा लोग चूज करते हैं जिस प्रोफाइल को, वह है वेब डेवलपर। क्योंकि अगर आप अकाउंट फील्ड से हो या फिर दूसरे बैकग्राउंड से हो, तो वेब डेवलपमेंट की हम बात करें तो वो ज्यादा इजी पड़ जाता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेब डेवलपर एक्चुअल में होता क्या है और उसका क्या काम होता है। साथ ही वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड दो टर्म आते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको कौन सी प्रोफाइल चूज करनी चाहिए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही अगर आप ये पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स फ्री में करना चाहते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको एक रोड मैप सजेस्ट करने वाला हूं, जो कि आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि वेब डेवलपर यानी कि वेब डेवलपमेंट एक्चुअल में होता क्या है। देखो, अगर मैं बात करूं आज के टाइम में ऑनलाइन जाने के, तो ऑनलाइन जब भी आप गूगल पे जाते हो तो आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाते हो, चाहे हम बात करें यूट्यूब की, फेसबुक की, या फिर कोई नॉर्मल एजुकेशन वेबसाइट है, एडुरेका हो गया, क्वेरा हो गया, अलग अलग वेबसाइट आप देखते हो। तो ये जितने भी वेबसाइट आप देखते हो, इन्हें बिल्ड करना, डेवलप करना या फिर रीडिजाइन करना काम होता है वेब डेवलपर का। आसान भाषा में वेब डेवलपर एक वेबसाइट को डेवलप करता है, चाहे हम बात करें उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की, रीडिजाइन करने की, या फिर उसमें कुछ नए चेंजेस के साथ उसे डेवलप करने की, ये काम होता है वेब डेवलपर का। अब आज के टाइम में आपको भी पता है कि चाहे हम बात करें एक छोटी कंपनी की या फिर एक बड़ी कंपनी की, हर कोई ऑनलाइन जा रहा है बेस्ड ऑन ई कॉमर्स या फिर बेस्ड ऑन प्रोफेशनल वे। तो हर कोई ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, और ऑनलाइन शिफ्ट होने के लिए उन्हें चाहिए होता है एक वेबसाइट, और उस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए चाहिए होता है एक वेब डेवलपर। तो अगर आप एक वेब डेवलपर बन जाते हो, तो एक तो आप कॉर्पोरेट में जॉब करके अर्न कर सकते हो, साथ ही एज अ फ्रीलांसर भी आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि वेब डेवलपर एक्चुअल में होता क्या है और वेब डेवलपर का क्या काम होता है। अब बात आती है कि ठीक है, समझ गए, लेकिन वेब डेवलपर बने कैसे? तो देखो, इसके लिए आपको वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना होगा। वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आपको मेनली वो चीजें सिखाई जाती हैं जिसकी मदद से आप वेबसाइट डेवलप करने में जिस कोडिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है उन्हें समझ सके और उन्हें रिकंस्ट्रक्ट कर सके, जिसकी मदद से आप किसी बनी बनाई वेबसाइट में चेंजेस कर पाओगे, और साथ ही अगर आपको एक नई वेबसाइट बनानी है तो वो भी आप बना पाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे ढंग की, जो कि है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अगर मैं बात करूं वेब डेवलपमेंट में, तो इसमें दो प्रोफाइल होती है, एक होती है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। अब इन दोनों का क्या काम है ये समझते हैं। अगर मैं बात करूं एक वेबसाइट की, एग्जांपल ले लो आप एक फेसबुक का, ठीक है, एग्जांपल हमने किसका लिया, फेसबुक का। तो जब आप फेसबुक का जो यूआरएल है यानी कि facebook.com जब आप डालते हो, तो उसका एक इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जहां पे ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, साइनअप का ऑप्शन है, और अलग अलग डिजाइन या फिर अलग अलग आपको वहां पे चीजें नजर आती है। तो जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है वो क्या करता है कि एक वेबसाइट का जो डेकोरेशन पार्ट है, कि वो वेबसाइट दिखेगा कैसे, वो वेबसाइट कैसा इंटरफेस रिप्रेजेंट करेगा टू द यूजर, टू द ऑडियंस, तो वो चीज डेवलप की जाती है फ्रंट एंड डेवलपर के थ्रू। मतलब कि आप ये समझ लो कि आपकी जो भी वेबसाइट है वो यूजर को आप कैसे डिलीवर करना चाहते हो, वो सारा पार्ट होता है फ्रंट एंड डेवलपर का, जिसमें वो HTML, CSS, JavaScript, React जैसे फ्रेमवर्क, API इंटीग्रेशन, इन सब का यूज करके वेबसाइट को अच्छे से डेवलप करता है एज अ फ्रंट एंड पार्ट, और यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए वो जितना अच्छा इंटरफेस क्रिएट कर सके वो सब चीजें वो अप्लाई करता है इन लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क की मदद से। इसी की जगह अगर मैं बात करूं बैकएंड डेवलपर की, तो इसका क्या रोल प्ले है। नॉर्मली आपका फेसबुक यानी कि जो आपकी वेबसाइट है वो दिख कैसा रहा है वो डिपेंड करता है फ्रंट एंड डेवलपर पे, लेकिन उस वेबसाइट में जो आप काम कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए कि कितने लोग की आईडी बनी हुई है, वो लोग जब चैट कर रहे हैं तो मैसेज ऐसे जाना चाहिए और मैसेज ऐसे आना चाहिए, इवन अगर आप कभी पासवर्ड भूल गए हो तो ये एक्शन होगा, ये प्रोसेस होगा। तो कुल मिलाकर जो बैकएंड डेवलपर होता है उसका काम होता है कि उस वेबसाइट में जितनी भी चीजें
जितनी भी एक्टिविटी आप करोगे वो सारा कुछ काम होता है बैकएंड का। अभी अगर इस वर्ड को ही आप समझो, फ्रंटएंड यानी कि सामने वाली चीजें, बैकएंड यानी कि जो बैक प्रोसेस में चीजें चल रही है, तो फ्रंटएंड क्या करेगा, जितना भी आपका डिजाइनिंग पोर्शन है तो वो काम करेगा फ्रंटएंड डेवलपर, और बैकएंड डेवलपर क्या करेगा कि जितनी भी चीजें बैक में चलेंगे, लाइक आपका जो भी चैट प्रोसेस है, आपकी जो भी चीजें एक्टिविटी हो रही है, आपका डेटाबेस मैनेज करना, आपके डिटेल्स वगैरह सिक्योर रखना, जितनी चीजें है वो ऑथेंटिकेट रखना, ये सब कुछ पॉसिबल होता है बैकएंड डेवलपर की मदद से। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप देखो पे स्केल के बिहाफ पे, तो फ्रंट एंड से ज्यादा सैलरी होती है बैक एंड डेवलपर की, क्योंकि देखो उसका जो काम है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और उस काम में जितना अच्छा एक्सपीरियंस हो उतना अच्छा पे स्केल मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड दोनों में से किसको चुनना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा बैकएंड। आप हमेशा बैकएंड को चुनो, उसमें आपको स्कोप भी ज्यादा मिलेगा और पे स्केल की भी बात करें तो वो उसमें ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे टर्म की कि आप वेब डेवलपर बनोगे कैसे। देखो अभी आप समझ गए कि वेब डेवलपर क्या होता है, आप ये भी समझ गए फ्रंट एंड एंड बैकएंड जो दो प्रोफाइल होती है इस क्राइटेरिया में उनमें क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आप कैसे बनोगे। देखो नॉर्मली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूं जो कि पीएपी मॉडल पे काम करती है। पीएपी का मतलब होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट। यहां पे इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है फंक्शन अप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, नॉर्मली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, और एक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बूट कैंप अभी ये रन कर रही है जो कि 22 मई को लॉन्च हो रहा है। अब इसमें होगा क्या कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मैंने दो प्रोफाइल बताया फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ये आपसे कहते हैं कि आपको दोनों में से एक चूज करना है और उससे रिलेटेड ये आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। लगभग रोज अगर मैं पर डे की बात करूं तो 9 घंटे की आपकी पर डे क्लास होगी, जिसमें प्रैक्टिकल क्लासेस भी होंगी, थ्योरी क्लासेस भी होंगी, और आपका इंटरव्यू में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सब कुछ ये आपको बताएंगे। दिमाग में डाउट आपके ये आ रहा होगा कि क्या ये सब कुछ ये फ्री में बताएंगे, पॉइंट समझना। नॉर्मली अभी जितना भी कोर्स ही आपको कराएंगे वो सब एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब ही आपको जॉब दिला देते हैं, जॉब भी कितने की, मिनिमम 5 लाख पर एनम की, तभी आपसे कहते हैं कि अपनी सैलरी का कुछ परसेंट इन्हें देने के लिए कुछ लिमिटेड टाइम तक। जाहिर सी बात है देखो अगर आप कहीं से भी कोर्स करोगे, आप कहीं जॉब के लिए जाओगे, आपको 10,000-15,000 की जॉब बड़ी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन एक कंपनी आती है वो आपसे ये कहती है कि मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा और आपको मैं जॉब दिलवाऊंगा, और अगर मैंने जॉब आपको पर मंथ 40,000-50,000 रुपए की दिला दी तो उसमें से आप मुझे 10,000 दे देना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो यही होता है पीएपी यानी कि पे आफ्टर प्लेसमेंट, यानी कि जब भी आपको जॉब दिला देंगे तब आपको इन्हें पे करना है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पे जाके चीजों को पूरा पढ़ सकते हो और चीजों को समझ सकते हो, और तब अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम जो इसकी एलिजिबिलिटी है इस कोर्स में जाने के लिए, या तो आप लास्ट ईयर में हो अपने ग्रेजुएशन के, या फिर आप ग्रेजुएट हो तभी आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें, 10th 12th अगर आपने कर रखी है तो उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलने वाली। आशा करता हूँ दोस्तों वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो ये वीडियो है वो आपको क्लियर हुआ हो, और जितने भी टर्म्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो सब आपको समझ में आए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।